मेहरबानों, ये देवी का जागरण मोहंगे लीला रामचरण राठौर पत्रकार जी की कैसेट में भरा जा रहा है। राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुंचाया जाएगा। एक बार जातियों के लिए लेकर के जा रहे थे तो भरतपुर जिले में एक भीमगढ़ी गांव पड़ता है, जहाँ के रहने वाले एक रामलाल अहीर थे, जिनके चार पुत्र बतलाए जाते हैं, कल्लू मल्लू डल्लू सल्लू। सबसे बड़ा लड़का कल्लू जो था वो अपने खेतों पे पानी लगा रहा था, जय जय कार्य करते हुए धान भक्त अपने जातियों के लिए ले जा रहे थे। कल्लू वहाँ पहुँचता है और पूछने लगा, भाई जय जय कार्य लगाते हुए आप कहाँ जा रहे हो? धान भक्त ने उन्हें समझाया कि हम माँ शेरावाली के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाने से बहुत अच्छा ज्ञान आत्मशक्ति है उनके अंदर। तो कहने लगा मैं भी, कल्लू कहने लगा मैं भी चलूँगा आपके साथ। धान भक्त उसे समझा देते हैं और कहते हैं भैया घर पर जाइए, अपने घर जा करके किसी ब्राह्मण से नेम धर्म पूछ करके और तब चलना। तो किस तरह से कल्लू आता है और अपने पिताजी से वादा करता है, यहीं से प्रोग्राम में चालू होता है, जिसके कलाकार हैं श्री सत्यप्रकाश जी उर्फ सत्य, बेटी पर साथ दे रहे हैं दिनेश कुमार चौधरी साहब, और उनका साथ निभा रहे हैं सतीश चंद, श्री अमरपाल सिंह, सतवीर सिंह हरद्वारी लाल एंड पार्टी। यहीं से मोहंगे लीला चालू होती है। बोल देवी माई की। पिताजी नमस्कार। नमस्कार भैया कल्लू। हाँ पिताजी। कैसे आए आप, तो खेतों पर पानी लगा रहे थे। कि पिताजी खेतों पर मैं पानी लगा रहा था, जब पानी लगा रहा था तो वहाँ करके जाति जा रहे थे, देवी माई का जयकारा लगा रहे थे जी, तो उनका देख करके मुझे जयकारा और मेरे दिल में देवी माई की कुछ बात लग रही है। क्या बात है बेटे बतलाइए। पिताजी मुख से तो कारो रे भैया जी, आप मुझे आज्ञा दे दो। कल्लू हाँ। हमारी बात सुनिए। क्या बात है? देखिए देवी हमारे घर में कभी नहीं पूजी है और आप कहते हो देवी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। पिताजी मैं तो जाऊंगा, आज सुन के आऊं देवी माई के जयकारे बहुत जाती जा रहे हैं। यही बात है हाँ। तो अपने चारों भाइयों की सलाह ले लीजिए और सभी मिलकर के परिवार सहित जाते हैं। देखिए हमारी चारों भाइयों की एक ही सलाह है, हम चारों भाई जाएंगे। अरे कल्लू तू भी जाएगो? भैया मैं हूँ, चलूंगा। जाऊंगा भैया फिर मैं हूँ। सभी जने चलो भाई साहब। कल्लू तू चलेगा रे? चलूंगा। पापन तो कह दे तो भैया चारों भैया ही जा रहे। ठीक है पापन ने तो ठीक कर लेंगे हम। ठीक हाँ सही कहे हैं भैया। अरे कल्लू कहिए पिताजी। भाई चारों भाइयों की एक सलाह है हाँ। तो जाइए पंडित जी के लिए और बुलाकर लेकर के आइए, उनसे पत्रा में टाइम दिखवाएंगे कब का सही है।
तो हमें बतलाइए पंडित जी कहाँ के आते हैं हमारे घर पर। सत्य प्रकाश शर्मा जी आते हैं मोरजपुर वाले उर्फ सत्य, जाइए उनके पास और वो मोरजपुर में मिलेंगे। ठीक है हम जा रहे हैं। राठौर कैस्ट में वो हर वक्त रहते हैं। ठीक है तो। अरे कलुआ सुन के पिताजी के बोल, कलुआ सुन के पिताजी के बोल, रे चलने की सुरत लगाए लाए, क्या बात है? कैसा जवाब लिखा रहे हैं आप? अरे अब तो भैया ऐसो ही जवाब लिख रहे हैं, बुढ़ापो है मुंह पे। पंडित जी आप बाहर निकल कर आ जाइए, आपसे कुछ काम है। बाहर? हाँ भैया बाहर आ रहे हो, तू भीतर को मत आ जाइए। क्यों क्या बात है? ऐसो भैया भीतर मिसलानी पड़ी है नंगी गुहारी, तो भीतर मत आइए, जल्दी आ जाइए, धक्का में कबार मारू मैं। अबे पागल को बच्चा तो ना है रे तू, तू भी बाहर ही रे, मैं आ रहे हूँ। तो आ जाइए। आ रहा हूँ मिसलानी, अरे मैं जा रहे हूँ। ठीक है तो आओ ना, देखूंगे कलुआ मो ऐसे लगे दावत वावत को टेम ले आए हो दिखे। हाँ ठीक है महाराज जाओ। हाँ तो को भी कुछ पल्ले पड़ जाए वो तो लाऊ। हाँ 200 कोरी ले आइयो। अच्छा अरे कलुआ। हाँ पंडित जी। बता बेटा कैसे आए हो? चलिए हमारे घर पर पिताजी बुला रहे हैं आपके लिए। घर पे? हाँ। पत्रा भी ले चलू बेटा? हाँ पत्रा लेकर चलिए अपना। पत्रो? हाँ पत्रो तो लेकर चलूंगो। चल चलो। देखिए मेरी बात सुन ले, मैं आराम आराम से चल। जल्दी आ जाओ, बड़े बूढ़े को शरीर ऐसे मत खेचे, बुढ़ापो लाला तू ना पतो। जल्दी चलो। अरे तू तो अपनी सी जवान जमान की बात ले डोले, मेरी बात सुन। क्या परेशानी है तुम्हें? मेरी बुढ़ापे की बात है भैया, पहले मैं भी ऐसे ही करे करे होती है तरह ही। क्या बात है बतलाइए। अरे मैंने ना जानी मेरी काया बुढ़ियानी, अब मैंने जानी ¡Gracias!
कैसा फेंक रहे नाक मेरे ऊपर। अरे ये तेरा को पानी समझ तू या नाक फेंक रहे मगर तेरा पानी बेटे तुझे पता नहीं है क्या। अरे नाक बहे जैसे केला को और तेरे जैसो में हत ना हो तो क्या करक रहे हो क्या करक रहे हो अब का है भैया। अरे बालक के पल्ले हत खेल गवायो हो जाइए। यही हाँ ये मेरा घर है। ये घर है आपका हाँ। और आप देखते रहना हाँ। कि कोई यानी कुतिया अंदर नहीं आ जाए। कुतिया के तेरे बाप को नौकर लग रहे हूँ मैं। क्यों क्या बात है। मेरे जान तो चौकसू चून में कुतिया खा जाओ। मेरी कोई गारंटी ना है भैया। मैं बड़ो बूढ़ो आदमी कुतिया देखूंगो या कुत्ता देखूंगो। ठीक है तो पंडित जी आप खड़े रहिए यहाँ। क्या कह रहे हो चून में कुतिया खा जाए। और अरे पंडित जी तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि अच्छी है दिखे। अच्छा बुद्धि अच्छी ना। एक बात बता रहे हूँ जोड़ा तू ज्यादा मत बोले करे। मैं जो पहले ऐसो ही हो ना तेरी तरह जवान जनावर हाँ। तो चाजा भैया बानी में धक्का मार देख रहे हो मैं। तुम हाँ चाजा भैया बानी में हाँ। तो तुम तो गुंडा हो पुराने। मैं गुंडा का एक हूँ तुम कंडा हो। अच्छा बहुत ईमानदार आदमी है हम। टक्कर मार दियो फिर ईमानदार बढ़िया बन रहे हो। एक बात सुन ले हाँ। ये बड़े मौके देख के लगे हैं धक्का। एक आध मौको बता सको। बताए दूंगा तू करे तो। लेकिन मध्य सोचने लगे कि पंडित जी ने बताए दई मैं मार दू। मौको भैया यू है कहीं मेला दशहरा में तू जाए हाँ। जहाँ ज्यादा भीड़ हो रही हो हाँ। रावण के मेला में या कत्की के में तो जा में तो धक्का मारना है तो पीछे से मारिए कि चल ताई आगे तू हटिए ताई आगे ताई कहूं हाँ। अच्छा 18 साल की छोरी हो। छोरी होगी तो वो नो पीछे को देखेगी तू साइड मोड़ लिए नो का तो यू ना है नो समझ जाएगी। अच्छा हाँ यही तो मौको है। अगर तेने मार दियो काई इकली जनानी में कोई गोबर लेके आ रही हो वो हमें धक्का तू मार देगो तो तेरा मौको थू तो पहचानवे में ना आवेगो लाला। अच्छा सगद थू तो बना देगी तो भैया मौके तो ही धक्का लगे है। चलो ठीक है तुम हमारो काम करो। अब बताओ क्या काम है। पिताजी हाँ क्या बात है। पंडित जी आ गए हैं और गेट पर खड़े हैं। पंडित जी आ चुके हैं हाँ। तो कल्लू हाँ जाइए उन्हें अंदर के लिए लिवा कर लाइए। ठीक है जा रहा हूँ। उनसे कह देना कि पिताजी अंदर बुला रहे हैं। ठीक है पंडित जी महाराज
उधर कोने का भैया कलुआ। हाँ आएगो आगे हमें, आप अंदर चलिए अंदर। हाँ ऐसो झापड़ मारंगो औलाद तक गंजी पैदा होगी तेरे। क्यों क्या बात है? दे अंदर ते अब आयो लिखकर के फिर अंदर चल। ए? हर वक्त अंदर ही रहूं या लाठ और कैसेट में जब फिर भी अंदर कोठरी में बंदू। ए? और तुम वो फिर बाहर आए हुए अंदर ले जा रहे हो या मैं गर्मी मरूं। ए? भैया मैं अंदर ना जाऊंगा, अब तो मैं सबके दिन देख के ही जाऊंगा अंदर से मुँह बड़ो डर लगे। देखो पंडित महाराज यानी पिताजी हमारे अपने पास बुला रहे हैं आपके लिए। पास? अरे बेटा मुँह पे पास कहाँ है, मैं तो विगत पास के ही काम करूं। यानी मेरे अभी तो पास हमारे राठौर जी ने वृंदावन भाई और रामशरण पत्रकार जो है नौकरे पंडित जी तुम विगत पास के ही ढोलते रहो, हमारी गारंटी है। यानी मेरे संग चलिए। संग? हाँ। अरे तो उनके धोरे को। हाँ हाँ तू तो कछू ना कहूँ तो थे यार, यही बात है कह दे तो कौन धोरे चल। हाँ चलिए। बता चल कहाँ है तेरे पापा? पिताजी। हाँ क्या बात है कल्लू? देख लीजिए पंडित जी आ गए। पंडित जी आ गए। हाँ पंडित जी। हाँ प्रणाम। अरे सुखी रहो सुख नंद रहो, नैन त्यारे दो फूटो, घोटुन के बल गिरो दांत 3200 टूटो। क्या कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं आप? जर कटे बेल बड़े कद्दू से लुढ़ जाए, घर को ब्राह्मण नो कहे तुम्हारो नाश घर के पिछवा दे जाए। क्या कह रहे हैं पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया जैसे तुम्हारे कदम है वैसे ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। हमारे कैसे कर्म है? ए? हाँ अरे तुम्हारे चूल्हे में आँच ना, पेदे में पानी, और यही फलेगी घर के ब्राह्मण की उल्टी पानी। यानी आपकी उल्टी वाली फलेगी? हाँ ये ठीक बात कह रहा हूँ। आप सब कहेंगे पंडित जी मर जाए तो मरेंगे नहीं है? अरे मैं कहाँ मर रहे हूँ यार, मैं तो कई पोत जिंदो है गो 100-100 साल को मर के निया। बड़े बेसरम है गे। इधर तू या इधर गया रामलाल, तेरा छोरा बड़ा गलत है, वो बेसरम बता रहे हो। यानी ये बहुत तेज है। मैं भैया के जिंदो ही मर जाऊंगा तेरे घर का देना। अरे सब जिंदे ही मर जाओ तो मर जाओ, कोई मरा हुआ मरता देखा आप? छुट्टी कर देंगे यार। हो तुम अपनो काम करवा रहे हो तो करवा लो, काय को बुलाया हूँ मुझे तुम चलाने को बुला रहे, मैं चल लो तो भैया। यानी आप पत्रा खोलिए। पत्रा? हाँ। पत्रा का ऐसे ही खुल रहे हो? कैसे खुलेगा? अरे यहाँ पे नेक धरो और मेरी बात सुनो। क्या? सुन भैया ऐसे ना खुले पत्रा। कैसे खुलेगा? 501 रुपया यहाँ धरवा दे राम सदन राठौर जी पे थे पत्रा खुलाई के, जब ये पत्रा खुलेगा वैसे ही खुल जाएगा बड़े बूढ़े पंडित को, यो सत्य प्रकाश उलभ सत्य को पत्रा शर्मा जी को। यानी पंडित जी आज उधार कर लो। उधार ना करूं भैया, उधार तो मैं कैसेट भी भरने ना जाऊं, उनसे भी नगदी लूं, सब दो किरायो भाड़ो उनके जिम्मे रे, मोकू तो तू नगद दे दे यहाँ। तो ये लीजिए नगद वो दे रहे हैं आप। अच्छा खोलिए तो सुन मेरी बात। एक बात और है। कौन सी है? अरे पहले मोए खवाए दो खीर रे में, बाद में पत्रा खोलू। पंडित जी खीर खा के सुपर जाओगे पारो में सफर लो। क्यों क्या बात है? एक शर्त और भी है। क्या शर्त है? अरे या आंगन में जब बैठो, आंगन में जब बैठो, अरे या आंगन में जब बैठो।
फिर प्याय जो ठंडो नीरे रे में बाद में पत्ते सा खोलू पहले हमें कम भैया सुन ले कहाँ चलिए ये सभी काम करके दे रहिए यानी एक साल पूरी आपके लिए घबराओ मत सोना कर बने घबराओ मत एक बात और भी है भैया क्या बात है ये मेरी बात सुन लो घबराओ अरे सुनो हमारी बात भैया गऊ माता हाँ गऊ तुम गैया कहते होगे हमारे यहाँ तो सीधे गैया के अरे गैया को मैं गऊ कह रहे हूँ अच्छा ये बात काल में मो एक देव गऊ जी देख कर राजी मेरी होए बहू जी अच्छा मिश्रानी को दखिनी चीरे कर देंगे हम बात सुनिए सुनाइए ये पत्रा खुल रही है 551 रुपया मेरे पास आ गए ठीक है खोलिए साहब अरे राजनाड़ी जी देवाई वाले ये भी हमारे लिए पत्रा की खुलाई की खुशी में 151 रुपये फिर दे रहे हैं और हमारे महेंद्र बाबू जी डायरेक्टर साहब ये 1151 रुपये पंडित जी की पत्रा खुलाई दे रहे हैं लेकिन अब आपके भैया पत्रा खोल मोई ले खोल ले अब तो तुम्हारा खूब कल्याण है वो अजय कल्याण का है को मैं तो ये सोई कमा तो रहे हूँ तो को बड़ा दर्द है वो तो कल हुआ तो हमारा काम तो ना कर रहे तुम दस कर रहे हूँ होश ले जा ले ये काम कर कौन के नाम से बनाए दूँ कल्लू के नाम से बनाइए आप अच्छा बेटा ले सुन ले सुनाइए एक बात है भैया पंडित जी खुल गई पत्रा भैया खुल गई हाँ बहुत जोर लगा रहे ले कौन एक बात है कल्लू हाँ। धान तो अब क्या बहुत गजब किए थे तुम्हारे हम आपसे खेती बाड़ी पूछ रहे हैं और काहे की पूछ रहे यानी ये लड़के जा रहे हैं देवी दर्शन करने के लिए अच्छा घड़ी मुहूर्त बतलाइए रास्ता सफर के बारे में बतलाइए मुँह बोलना ही पड़ेगा
खाबा कभी धान अच्छे हुए हैं, कभी मक्का अच्छी हुआ है, कभी गेहूं अच्छे हुए हैं। तीन बात अल्लाह पूछ रहे हैं हम तुमसे। इधर भैया पत्ता कह दिया, अब कहते मक्का भी ठीक हुई है, मैं कोई झूठ बोल रहे हो? हमें सफर के बारे में बताओ। अच्छा तो ले सुन ले, मीन मेक मकर धन के चंदर मा, मीन मेक मकरिया नीप पे चढ़ी बकरिया, मीन मेक मकतूरा और नीचे चावल ऊपर पूरा। मीन मेक मकतूरा नीचे चावल ऊपर पूरा, हाँ तो भन्ने की बात रहे तुम पे। इधर भन्ने खुना कह दो यार, क्या पत्रा में लिख रहे हैं? तुम पहले पहले जा रहे देखो। हम तो पहले पहले जा रहे हैं। अरे ये देवी माई के थाल भरे जाएंगे बेटे। थाल भरे जाए और हमें का पता हो का भरो जाए। मेरी बात सुनिए, कल्लू के नाम से दिल निकल ले आए, निकालो जल्दी। और ये सुन रे भैया कलुआ, पतरा के करूं बयान, और घर जागिन बजवा लो दुर्गे को धर लो। समझाई गुरु अमृत पायो ज्ञान, सुन ले भैया कलु।
एक बात और है। और क्या बात है? मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, अब तुम मेरी दान दक्षिणा दो, परोसा दो भैया, और मैं चल रहा हूँ। पंडित जी, हाँ, अब तुम्हारे परोसा कितने है गए, कितने रुपया बन गए, हिसाब लगा के बता दो। देखिए, तेरी बहन की बात बताई, बहन रसोई का काम करेगी। अच्छा, एक प्रश्न, बुआ पंथ की सेवा में रहेगी, भाई बाट बहोरने का काम करेगा। अच्छा, तो इतनी बात है गई मेरी, तो ये सबई बुलाने जरूरी है? हाँ, पंच में बुलाने पड़ेंगे। अच्छा, तो पंडित जी एक बात की तो कसर रह जाएगी। काय की? हमारे बहन तो है ना, हम तो चार भैया ही तो हैं। बहन ना ना, अरे तो कोई पड़ोस की होगी, चाचा ताऊ की तुम्हारी सगी बहन ना, मतलब बहन हो। हाँ, तो हम अपनी बहू की बहन बुला ले तो? उधर भैया तुम रहन दो यार, खा में खाई, अब तो है ये सो रहा हुआ देश धर्म बिन खाली, गई पलट बेद पर नाली। एक भाई की शादी थी ना, खबर बहन पे डाली, और बहन भांजी पार देखती घर बुला ली, साली हुआ देश धर्म बिन खाली। भैया ऐसा तुम मत करो मेरे राज में, भैया देखो तुम चाचा ताऊ की बुला लियो। ना कह रहे ना बहन हो, बहू की बहन बात गई, हमें का पता होगा एक चीज, बहू की बहन नहीं चलेगी भैया। अच्छा, हाँ, अब मेरे 11 प्रश्न है, 11 परोसा दे दियो, और 11 पन्ना 55 रुपया और दे दियो। 55 रुपया और 11 परोसा। हाँ, तो फिर ये अलमाने अपने लाओ, और यहाँ में तुम्हारे परोसा दे दे। हाँ भर दो यही में। भैया अरे एक काम कर। क्या काम करूँ? हमारे आलू की सब्जी बच गया हुआ भर पहले तो। हाँ, थोड़ी कड़वी बची रही है। कड़वी है गई? हाँ। रुक जा रुक जा, मैं सू को सीधा लंगो भैया, ऐसे ना लो। सू को सीधो? हाँ, सू को चूना आटो। तो मल्लू एक काम कर। क्या काम करूँ? हमारे सू को भूस भरो। ठीक है, भूस भर दूंगा। सुन लो, तुम्हारी जात मंजूर ना होगी ऐसे करोगे तो। सो हाँ, या तो दे दो मेरी दक्षिणा, नहीं तो मैं चल लो अपने घर को। तो यहाँ टाइम ये काम करो तुम। हाँ, अब हम जाने देवी मैया के दर्शन करने। अच्छा, आएगा तुम्हारा सब हिसाब कर देंगे, तुम अपने घर पहुँच जाओ। अल्लाह, चश्मा मोह दे जाओ। चश्मा मत उतारे भैया। क्यों, क्या बात है? मुझे सबरे के सबरे मुँह अंधे दिखाई दे रहे हैं। अंधे? हाँ, बिगड़ चश्मा के। इनका चश्मा लगा दे भैया, लगा दे। अय्या पंडित जी देव, बोला यार अब का है को चश्मा लगते ही सब उल्टे है गए। अब उल्टे है गए? हाँ, डायरेक्टर साहब महेंद्र कुमार जी ये उल्टे बैठ गए। चश्मा तो उल्टा लगा देते ना। दिनेश चौधरी उल्टे है गए पेचिया लेके। अरे भाई साहब, चश्मा उल्टा लगा लिया पंडित जी, सीधा लगा दिया मैंने। याद मैंने जानी के सभी उल्टे है गए, चश्मा ही उल्टा लग गए। हाँ ठीक है भैया, मैं चल रहे हूँ। तो जा रहे हो? हाँ, चाहो तो पंडिताई थे हमारी, राम राम कह दे भैया। तुम्हारी जात मंजूर ना होगी, तुमने मेरे ना होगी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ तो मेहरबानो, पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं, और जा करके अपने घर पर पंडितानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। उधर में चारों भाई देवी के दर्शन करने के लिए किस तरह से जाते हैं, अपनी निकासी करा करके, और कैसे पहुँचते हैं। इधर में चलते चलते जाती जब चल जाते हैं, चल करके कहाँ आते हैं, आबू शहर में। आबू शहर में अपनी निकासी करवा करके आ जाते हैं, जहाँ के राजा केवल किशन थे। राजा केवल किशन का एक बाग था, वो सूखा हुआ बाग था। धांधु भक्त अपने जातियों के लिए वहीं ठहरा लेते हैं। जाति कहते हैं हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, तो किस तरह से जाति मना करते हैं, धांधु भक्त कहते हैं यहीं ठहरेंगे, वहीं ठहर जाते हैं और देवी माई की स्तुति गाते हैं, और यहीं से कथा आगे बढ़ेगी। बोलो सांचे दरबार की। और नगर कोट से आजादी मैया मेरी से I'm gonna make it.
सामने क्या हो रहा है। अरे भैया हाँ जब करो देख बाग के अंदर देख रो पानी का सब भली बोल वो जा रहे हैं भैया जाते केरे पर चढ़ गई रानी तुझे सिर चढ़ गई मेरा पेट तो है पा
चाहिए। भगवान बहुत सो दे बेटा करे तुम्हारे राम जी हो भाभी, भगवान बहुत सो दे बेटा करे तेरे राम जी हो, खल बनो रे तो खाबे मिले। क्या राम जी हो बे? अरे तुम पे तो आशीर्वाद भी देना ना आवे। आशीर्वाद? और अल्लो कुआरी छोरी इतना आशीर्वाद दे रही है, का थोड़ो दे रही है नाड़ी जी। अरे आने जाने है जाऊं तो और भी ज्यादा तेल लगाऊंगी। हाँ मेरे पाम मत मस्को, मुझे गुलगुली लगे। तुम्हें बड़ा गुलगुली लगे, अभी आदत ना बन रही ना मुझे मस्क वाले। क्यों ना आदत बन रही तुम्हें? आनी जानी आ जाऊंगी तो सीख जाऊंगी सब काम। हाँ सीख जाओ। ए भाभी बड़ी खुश है रही आज तो तुम। हाँ बीवी। क्या बात है खुशी की बीवी? हाँ मेरी बात सुनो। क्या बात है मुझे बताओ ना भाभी जी। ए बता दो भाभी तो कैसे कर रही है तुम? अरे बीवी कुछ मुझे बागों में कुछ मालूम पड़ता है। क्या मालूम भाभी? मेरी बात सुनो बीवी। हाँ भाभी जी। मैं चत्तारी पे चढ़ी थी। हाँ।
और मुझे तो ऐसे मालूम पड़ते हैं बाग हमारे हरे भरे से मालूम पड़ते हैं मुझे। हरे भरे बाग हो गए? हाँ बीवी। ए पादो पादो ना इन टोरा मत पादो खाम खा की बात। अरे मैं सही कह रही हूँ। और सूखे हुए बाग हरे कहाँ थे? हाँ बीवी, जब मैं ऊपर चढ़ी थी तो मैंने खुद देखे थे। तुमने? हाँ बीवी। तो फिर क्या चाहती हो? मुझे कोई ऐसा बहाना बताइए कि जो कि मैं बागों के लिए घूमने जा सकूं। ना भाभी, तुम्हें ना जान दूंगी। देखो हाँ। बागन की बात है तो मैं घूमे आऊंगी, सुन ले। ना बीवी, जाऊंगी मैं। तुम मत जाओ, आज मेरी तबीयत कर रही है जाने के लिए। देखो भाभी हाँ। तुम चली गई और भैया आ गए यहाँ हाँ। पूछ लगे भाभी कहाँ गई, तो मैं कहाँ बताऊंगी। अरे मैं तो स्कूल से आऊंगी पलंग से, तो लोनिया लानी की तरह डोलती भाई नो चली आऊंगी। स्कूल में है क्या बीवी हाँ। तुम अपने भाई साहब से कहना नहीं। ना कहूँ हाँ। तो देखिए एक बहाना है हाँ। कि आप पानी के बहाने चली जाइए। क्या पानी के बहाने? हाँ, और अंधो पूछल लगे हो तो नो कह दूंगी भैया भाभी गई है वहाँ राठौर कैसेट में जागरण है रोवर, उनके राठौर साहब के यहाँ रामशरण जी करा रहे हैं, तो वहाँ जागरण देख में चली गई है। तो ही मान जाएगा नो पूछल लगे हाँ ऐसे ही है बेबी हाँ। पानी मुझ पे नहीं आएगा। क्यों? हाँ मेरी बात सुनो। क्या बात है बोलिए। मेरी नाज के नारा मौका लाई रे पानिया कैसे भाभी आइयो जल्दी। अरे मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है।
चाले भर ने मोहन दे चाली हो देखते ही रहे और इसी तरह से उनका प्रेम चलता।